कला का संबंध हृदय से होता है और एक कलाकार अपने हृदय की अंतहीन गहराइयों में डुबकी लगाकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुभव, पूर्ण ज्ञान, मेहनत व लगन से कला की पवित्रता को बरकरार रखते हुए हृदय स्पर्शी प्रस्तुतियों द्वारा कला का सृजन करता है, जिसकी चमक से पूरा कला जगत प्रकाशित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह के कलाकार का जिक्र आज हम अपने प्रोग्राम अग्रिम द अनटोल्ड स्टोरीज में करेंगे। पद्मश्री और संगीत नाटक अवार्डी कथक गुरु शोभना नारायण। कथक मेरे ज़िंदगी में बहुत जल्दी आया, जब मैं 2.5-3 साल की थी। और उस वक्त जैसे हर बच्चा में ऊर्जा होता है, तो मुझ में भी बहुत ऊर्जा थी। उनकी अंदरूनी इच्छा भी थी कि मैं नृत्य में जाऊं, प्रवेश करूं और उसको अपनाऊं। और वो उस समय जब मैं 2.5-3 साल की थी, तो वो मुझे साधना बोस के यहाँ ले गई। और साधना बोस जो उस ज़माने की बहुत ही मशहूर डांसर एक्ट्रेस थी, वो उन्होंने जब मुझे देखा तो इतनी भौचक्का हो गई कि और बंगाली में कहने लगी, गुलेर बाचन ये शो, यानी गोद का बच्चा लेकर आए हो। लेकिन तब से वो गोद के बच्चे के को जो कथक मिला, तो उसे जीवन मिल गया। जैसे मछली को पानी मिल जाए, उसे जीवन मिल जाए, उसी तरह से कथक मेरे लिए था। और बहुत ही एक लंबा सफ़र रहा, जिसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से मिली। हमारा आज का ये एपिसोड गुरु पूर्णिमा पर आधारित है। गुरु की अहमियत सबकी जिंदगी में सबसे ऊपर होती है। केडी नारायण और ललिता नारायण की बेटी शोभना नारायण का कथक का सफर 3 साल की उम्र में शुरू हुआ और आज तक निरंतर चला आ रहा है। बेहद सरल, सौम्य, जिंदगी से भरपूर एक बेहतरीन कलाकार, बुद्धिजीवी, लेखक और बहुत ही अच्छी गुरु, जिन्होंने अपने शिष्यों को नृत्य के साथ साथ जिंदगी के नैतिक मूल्यों पर चलने का भी ज्ञान दिया। मेरे लिए वो सिर्फ गुरु नहीं है, शी इज़ लाइक अ मदर, अ सिस्टर, अ फ्रेंड। मैं समझूंगी कि आई बीन वेरी लकी कि मेरे को ऐसे दो बढ़िया गुरु मिले, एक शोभना दीदी और एक मिस्टर ब्रूटा, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई बींग इन द फील्ड ऑफ आर्ट। दोनों ने ही मेरे को अपने जीवन से सिखाया बहुत, अपने टैलेंट से, अपने काम से भी बहुत सिखाया। और बोथ ऑफ देम हैव टुडे बिकम मोर देन गुरुज, दे हैव बिकम फ्रेंड्स फॉर मी। और उससे एंड शोभना दीदी तो इज लाइक अ मदर। गुरु नेत्रम गुरु दीपः सूर्य चंद्रमा सो गुरु, गुरु देवो गुरु पंथा दिग गुरु सहर गति गुरु। गुरु हमें नेत्र और ज्योति प्रदान करते हैं। वे उनके दोनों आंखें हमारे चांद और सूर्य की तरह है। वे हर देवताओं से परे हैं। वे हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। कलकत्ते में गुरु साधना बोस थी। जब मेरे पिताजी का तबादला बॉम्बे हुआ, तो वहाँ गुरु कुंदनलाल सिसोदिया मिले, तो उन्होंने बहुत एकदम बेसिक और बहुत अच्छा मजबूत दिया। और जब मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली हुए, तो फिर वहाँ यहाँ आकर के पंडित बिरजू महाराज जी के साथ, तो जो तीनों हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया। कथक जो है वो मेरे कथक के हर पहलू को उन्होंने बताया, मुझ में तराशा,
वो एक उन्हों तीनों ने तराशने का काम किया और सबसे ज़्यादा तो महाराज जी ने किया जो उन्होंने तराशा मेरे ऊपर, और वो मेरी फिजिक को लेकर के, मेरे मिजाज को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कथक को मेरे में अंदर समाया वो अद्भुत था। मैं आज भी उन तीनों गुरुओं की मैं पूजा करती हूँ, कृतज्ञ हूँ। एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी बॉम्बे में, षणमुखानंद ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, अर्ली 70s में, 70, 71, 72 ऐसे कुछ था, और वहाँ मेरे गुरु मेरे साथ नहीं थे। अब पहले तो अगर गुरु, जब हम एज अ स्टूडेंट करें तो गुरु साथ में बैठे हैं, पढ़न कर रहे हैं या तबला बजा रहे हैं, तो फिर वो अलग है क्योंकि वो अपनी तरह से वो बागडोर जो है वो संभाल रहे हैं। लेकिन जब गुरु साथ नहीं है और पूरा बागडोर मुझे ही अकेले दम पे संभालना था, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और वहाँ जब मैंने देखा कि हम लोग जब करते ना कि जैसे था टंग है उसको एक लंबा मैं खींचने लगी, ऐसा लंबा मैं खींच रही थी, शुरुआत में तो लोग वाह वाह कर रहे थे, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया तब लोगों में जो थोड़ी सी वो जो बेचैनी है वो उनकी आभास होने लगी, जैसे उनकी ये इधर उधर बढ़ रही थी मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ रही थी। और वो ऐसा एक वक्त आ गया था या तो मैं मुझे हूटिंग मिलेगी और मुझे स्टेज से बाहर निकल जाना होगा या मुझे कुछ और करके स्टेज पर रहना है। और वो एक उस जमाने में उस समय ऐसी हालत हो गई थी, मैं ऑलमोस्ट स्टेज से बाहर चली गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, विंग्स में पहुंचते ही ऐसा कुछ अंदर हुआ कि आई हैव टू विन द डे, और फिर मैं चक्कर लेकर के वापस आई और वहां से मध्य ले लिया, एकदम जो विलंबित में था वो मैंने सिर्फ मध्य ले लिया और मध्य ले की चीज़ें करने लगी, और फिर उसके बाद तो ऑडियंस मेरे हाथ में आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपने कला को से कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए, लेकिन आपको हर एक एस्पेक्ट को कितने मापदंड के साथ पेश करना है वो उस दिन मैंने सीखा। मैं महाराज जी जब सिखाते थे, मैं एक चीज़ कहूँगी, ही वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर, और इतने एक एक बारीकी पर वो ध्यान देते थे। और जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी जैसे संडेज के, तो वो सुबह आ जाते थे घर पे 10, 10:30 बजे और शाम तक सिखाते थे, ऐसा कि मैं सिर्फ एक थोड़ा सा वक्त मिलता था खाने के लिए, लेकिन सुबह से शाम तक मैं खड़ी रहती थी और सीखती रहती थी कि कमर दर्द हो जाता था, लेकिन उसमें उस वक्त तक लगता था कि बैठ जाए, लेकिन फिर वह होता था कि इतने चाव से वो सिखा रहे हैं, मुझे भी लेने की तो शक्ति होनी चाहिए, और फिर एकदम उठती थी और फिर। तो वो जो उनकी मेहनत थी और साथ साथ हमारी भी मेहनत थी, तो वो आज जो है मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ क्योंकि उसने मुझे बनाया। कथक के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उससे, उसके रसों से मैं वाकिफ हूँ। और कभी वो मैंने कहा ना कि उस समय ऐसा लगता था कि बैठ जाओ, ओह अब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर कभी कभी महाराज जी कहते थे कि देखो ये किटतक थुनथुन के पैर साफ नहीं आए हैं, अब वो एक हफ्ता 10 दिन 1 महीना, तो अब वो लगता है क्यों नहीं साफ आया, तो एक ज़िद भी हो जाता है। मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ बाय नेचर, तो शायद वो ज़िद जो है कि इसको करके ही करेंगे, और फिर जब निकल के आए तो उसमें अपना ही आनंद था, उसमें उसका आनंद ही अलग था। मैं स्टेज पे तो हमेशा बचपन से ही थी, 4 साल की उम्र से मेरे स्टेज परफॉर्मेंसेस थे, लेकिन एक वक्त जब महाराज जी से मैं सीखना शुरू किया तो उन्होंने 2 साल एकदम स्टेज परफॉर्मेंस बंद कर दिया कि नथिंग, जब तक मैं ना कहूँ कि तुम इस, तो वो आई थिंक बहुत ही उसमें हो सकता है कि बहुत अलग बच्चे हो सकता है कि क्यों नहीं हम स्टेज पे हैं, लेकिन माँ भी कहती थी कह रहे हैं जो महाराज जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक
वो ना कहें, हम मैं भी उनके साथ हूँ, मेरी माँ कहती थी। तो उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि परिपक्वता भी उस जमाने की ज़रूरत थी और वो और उससे मेरा ही फ़ायदा था। तो एक तो है कि पेशेंस इन लर्निंग, पेशेंस इन कमिंग ऑन स्टेज, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए टू कम ऑन स्टेज, क्योंकि उससे हमारा ही फायदा होता है इन द लॉन्ग रन, नंबर वन। नंबर टू, आगे जा कर के वैसे एक मैं कहना चाहूँगी कि मैं एज ए जब बच्ची थी तो मुझे कहा जाता था कि मैं हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन कथक ने ही मुझे मेरा स्वास्थ्य भी कथक के कारण ही ठीक हुआ। लेकिन बहुत आगे जा कर के वो शायद जो बचपन का था वो स्वास्थ्य का, वो फिर से प्रॉब्लम्स करने लगे। और कैसे हुआ कि फिज़िकल एलिमेंट्स बहुत हो गए। तो जब फिज़िकली स्वास्थ्य जो है वो अगर आपके जैसे घुटने की प्रॉब्लम्स और ये, तो एक होता है कि हम उसमें हार मान जाए। लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। स्किन प्रॉब्लम्स हुए तो वो भी, कुछ भी हो जाए करते जाना है, दुनिया को फेस करना है और आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे इस तरह की चुनौतियाँ जीवन में आई कि शायद वो मुझे टेस्ट कर रही थी, मेरा इम्तिहान ले रही थी कि मैं हार मान करके घर में बैठ जाऊँगी। लेकिन मैंने उन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की है और आज भी आपके सामने हूँ। शोभना नारायण ने कथक के घरानों से ऊपर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके कारण आज शोभना कला जगत में एक प्रखर नृत्यांगना के रूप में जानी जाती है। हाल ही में उन्होंने कथक पर हिस्टोरिक रिसर्च की है, जिसमें कथक नाम के कई गांवों की पहचान हुई है। इन गांवों का इतिहास बेहद पुराना है। शोभना नारायण सफल कथक नृत्यांगना होने के साथ साथ एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट भी रही। हमेशा पॉजिटिव रहने वाली शोभना आज दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। जिंदगी की कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना इन्होंने बड़ी दृढ़ता से किया। इन्होंने अपने कई शिष्यों को नृत्य की इतनी अच्छी तालीम दी कि आज वो दुनिया के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मैं खुद 1973 से सिखा रही हूं और बहुत ही खुशी है और गर्व महसूस होता है यह देखकर कि हम विश्व के कोने कोने में कथक की आराधना में हमारे सभी शिष्य लगे हुए हैं और उनकी लगन, साधना, डेडिकेशन और गुरु भक्ति देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आज के युग में ऐसे बहुत शिष्याओं को मैंने देखा है जब किसी नामी गुरु के पास चले जाते हैं और कुछ ही दिन वहाँ से सीखते हैं तो बस वे सिर्फ उस नामी गुरु का ही हो जाते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। और जिस गुरु ने बचपन से लेकर के कई सालों तक उस पौधे को रोपा और सींचा, बहुत प्यार से सींचा और मेहनत किया, उसे वे भूल जाते हैं। मेरे गुरु मेरे लिए उस जमाने में भी और आज भी एक ईश्वर के समान है, क्योंकि उन्होंने जो आज मुझे जो भी दिया है, वो जो विद्या हासिल मेरे पास है, वो उनके ज़रिए है। उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे तराशा, मैं एक अनकट एक स्टोन थी, उसको बनाया, उसको तराशा और वो बनाया और जो एक नृत्यांगना बनी। लेकिन साथ साथ उनकी जो बातें थी, उनकी जो एक गहराई थी, उनको सुनती रहती थी, तो उस कथक की जो आत्मा है उनसे वो भी जो
एक इनटैंजिबल चीज़ें हैं वो भी सीखने का मौका मिला। बहुत चीज़ें उनसे की जो उन्होंने वैसे कह के सिखाया नहीं, लेकिन उनको देख करके, उनको समझ करके जो सीखा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ एक तो हमारे ये तीन गुरु थे जो उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स को दिया, लेकिन हमारे और भी दो गुरु थे, मैं उन दो का बिना लेना चाहूँगी। एक मेरी माँ, जो कि हर एक एस्पेक्ट, एक तो है जीवन में सिखाना, वो तो अपना है ही है, लेकिन साथ साथ जो कि एक उन्होंने सिखाया कि जो हर चीज़ में गहराई के साथ करनी चाहिए। और वो महाराज जी भी कहते थे जो भी करो गहराई के साथ करो। जब हम लोग बात कर रहे नृत्य की, तो नृत्य में ही हो जाना चाहे, नृत्यांगना में ही रह कर नहीं रहना चाहिए। जब नृत्यांगना हम हैं तो नृत्य और नृत्यांगना अलग हो जाते हैं, लेकिन उसकी दूरी कम हो जानी चाहिए, हम नृत्य में ही हो जाने चाहिए। तो वो गहरा, जब तक गहराई में ना जाए। और फिर एक दूसरी चीज है कि जो भी बैलेंस परफॉर्मेंस है, बैलेंस हो, वो अभिनय अंग हो या टेक्निकल अंग हो, तो ये एस्पेक्ट्स जो है गुरुओं ने बहुत दिया। और जो मैं एक और के कि नैना देवी, उन्होंने भी मुझे बहुत दिया कि किस तरह से, वो कहती थी जब अभिनय करो तो सिर्फ क्रिया भाव नहीं करो, उसमें अंदर डूब जाओ कि एक हाथ उठे तो कुछ बहुत कुछ बोल जाए, आंखें उठे तो बहुत कुछ बोल जाए। और उसी तरह से मैं कपिला वात्स्यायन जी का भी कहूँगी कि उन्होंने जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन की में मैंने पैर दो धार पर रखे थे और साथ साथ चल रही थी, दो नावों को साथ साथ चलाने की कोशिश कर रही थी और मैं सफल भी रही, तो उन्होंने कहा कि जब जीवन में कि जब आप ऑफिशियली कोई पोस्टिंग्स ले तो कला के जगत से एकदम दूर रहिएगा, बिल्कुल दूर रहिएगा। और उन्होंने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने जो कहा, वो मैंने एक मूल मंत्र लेकर के, हमारे तीनों गुरु जो हमारे कथक के गुरु, और ये जो तीन गुरु मेरी माँ नैना जी और कपिला जी को की शब्दों को मूल मंत्र लेकर के आगे बढ़ रही थी और अभी भी उसी पर अमल हूँ। जो कुछ भी हूँ इन गुरुओं के कारण हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ और हमेशा मरते दम तक कृतज्ञ रहूँगी। इन सभी गुरुओं को मेरा हृदय के गहराई से प्रणाम और चरण स्पर्श। कथक नृत्य में शोभना जी द्वारा दिए गए योगदान से ये बात तो स्पष्ट है कि वे एक सच्ची कला प्रेमी हैं। नृत्य में पारंगत होने के कारण शोभना लगातार अपनी प्रस्तुतियों द्वारा कलानुरागियों की प्रशंसा की पात्र बनती रही हैं। अपने गहरे चिंतन और साधना से कथक को एक लय में बांधकर उन्होंने उसकी विशेषता और गति का आह्वान एक अलग अंदाज से किया। नृत्य संरचनाओं में उनके प्रयोगों की सफलता अन्य कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज के युवा कलाकार वर्ग को ऐसे गुरुओं से संपूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहिए।